कार्यक्रम को आप सभी का स्वागत है। कथा में अब तक पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हो चुका है। वे कुरु वंश के भविष्य है। कथा में देखते हैं आज क्या होता है। वो बटो द एपिसोड। कुछ दिन के बाद हस्तिनापुर महल में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। इनका जन्म सत्यवती और भीष्म को बहुत ही खुशियों को लेके आते हैं, क्योंकि कुरु वंश को आगे बढ़ाने का काम इनके ऊपर होता है। भीष्म ने इस बात पे खुश होकर हस्तिनापुर का महल में तीनों बच्चों का नामकरण शास्त्र को शास्त्र के अनुसार किया जाता है। इन तीनों बच्चों का नामकरण शास्त्र दिख और बहुत अधिकता के साथ हो जाता है। इस दृश्य में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का तीनों का नामकरण शास्त्र में बहुत सारे अर्चक होते हैं, ऋषि होते हैं, फिर सारे महल में काम करने वाले बहुत मंत्रियां होते हैं, सबके सामने एक कार्यक्रम हो जाता है। ये सब ये दृश्य में दिखाया गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को भीष्म ने अच्छे आचार्यों के पास उनका पढ़ाई के लिए है आश्रम भेजा रहता है, और इन तीनों ने बहुत ही उन्नत शिक्षण लेते हैं। इसके साथ इन तीनों राज्य चलाने का अस्त्र शस्त्र और युद्ध निपुणता का बारे में भी परिणित होके आते हैं। इन तीनों को उनके विद्याभ्यास के बाद भीष्म ने इन तीनों बच्चों को आश्रम से वापस हस्तिनापुर महल को लेके आने का दृश्य इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों परिणित हो गए हैं और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों तैयार भी हैं। धृतराष्ट्र ने उम्र में बड़ा होता है, पर ये अंधा होने के कारण सत्यवती के बात का अनुसार भीष्म ने पांडु को राज्याभिषेक करता है। राज्याभिषेक के बाद पांडु ने बहुत शौर्यत्व के साथ अनेक भारत खंड का अनेक राज्य को युद्ध में हरा कर अपना साम्राज्य को बढ़ा देता है। पांडु एक तरफ से बहुत ही युद्ध प्रिय होता है। इस दृश्य में भीष्म ने पांडु को राज्याभिषेक करने का दृश्य को दिखाया गया है। धृतराष्ट्र ने शादी का उम्र पे आता है। भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गंधार देश का राजकुमारी गांधारी के साथ विवाह करने का निश्चय करता है। धृतराष्ट्र अंध होने के कारण गांधारी भी विवाह का पहले दिन में ही उनका आंखों को दोनों आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है, ताकि जो आंखों से मिलता है खुशी, जो खुशी इसका पति को नहीं मिलती है, तो वो खुशी खुद को भी नहीं चाहिए बोल के गांधारी भी अपने आंख को पट्टी बांध लेती। इन दोनों की शादी हस्तिनापुर में बहुत ही अधिकता के साथ हो जाती है। ये चित्र में गांधारी और धृतराष्ट्र के शादी का दृश्य को दिखाया गया है। दूसरी तरफ कुंती भोज राज्य का गोदी हुई पुत्री कुंती एक दिन ऋषि दुर्वासा की सेवा में रहती है। कुछ दिन कुंती ने ऋषि दुर्वासा की अच्छे भक्ति से और मन से सेवा की, और ऋषि दुर्वास ने इसका सेवा का भक्ति का प्रसन्न होकर इसको कुछ मंत्र दीक्षा देता है। इस मंत्र के अनुसार कुंती ने जो भी देवताओं को बुलाए और अपने इच्छा के अनुसार कुंती उस देवता से जो चाहता है वो मिल जाती है। ऐसा मंत्र दीक्ष महर्षि दुर्वास ने कुंती को देके वहां से चले जाते हैं। इस चित्र में दुर्वास मुनि ने कुंती को मंत्र दीक्ष कान से मंत्र दीक्ष देने का दृश्य को दिखाया गया।
दूर्वास मुनि ने महल से निकलने के बाद कुंती दूर्वास मुनि का मंत्रों का प्रयोग करना चाहती है। एक दिन उसके महल में डूबते हुए सूरज को आसमान में डूबते हुए सूरज को देखके कुंती ने सूर्य भगवान का नाम पे ये मंत्र प्रयोग करती है। सूर्य भगवान ने कुंती को अपना दर्शन देते हैं और कुंती को एक पुत्र भी देख के वहाँ से चले जाते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं सूर्य भगवान ने कुंती के सामने आके एक पुत्र को देते हैं। उसका नाम होता है कर्ण। कर्ण के जन्म के बाद कुंती अब सच में मुश्किल में पड़ी है, क्योंकि कुंती का शादी भी नहीं हुई है अब तक और एक पुत्र भी है। इस स्थिति में कुंती ने बाहर आने के लिए एक उपाय सोचती है। पुत्र कर्ण को एक ठोकरी में डालकर उसको नदी में तैरने छोड़ती है और घर वापस लौट के आती है। इस चित्र में कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक ठोकरी में डाल के नदी में तैराने का दृश्य को दिखाया गया है। आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगला एपिसोड में नेक्स्ट वीक। अब किसी को इस एपिसोड और इसका पिछले एपिसोड्स का पेंटिंग्स प्रिंट चाहिए, प्रिंट ऑन कैनवास या प्रिंट ऑन पेपर, आप swamiarts.com में जाके प्रिंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट्स और महाभारता प्रिंट्स, उसमें आप चुन सकते हैं कि प्रिंट ऑन कैनवास या प्रिंट ऑन पेपर। जैसे आप एड्रेस बुकिंग के टाइम पे एंट्री करते हैं, उस एड्रेस पे आपको पेंटिंग्स आ जाएगा। मिलते हैं अगला वीक में। धन्यवाद। शुभमस्तु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अगले वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें।